नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा एमआई प्रोडक्ट के बारे में। तो आप सभी लोगों में से काफ़ी लोगों के मन में इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल होंगे, तो मैं आज उन सभी सवालों को इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट, एमआई प्रोटेक्ट किन किन डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है? तो एमआई प्रोटेक्ट सिर्फ एमआई के डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है जो कि MI.com से खरीदे हुए होने चाहिए। सेकेंड, इसकी वैलिडिटी कितने दिनों की है? तो इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की है। थर्ड, आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इसके अंदर? तो सबसे पहला है एक्सीडेंटल एंड लिक्विड डैमेज प्रोटेक्शन। इसके अंदर यदि आपका मोबाइल फ़ोन कहीं से गिर जाता है, छत से गिर जाता है या फिर आपके पॉकेट से गिर जाता है, यदि वो पानी में गिर जाता है, कहीं भी गिर जाता है, तो इसके लिए आपको वारंटी मिलेगी। दूसरा है डोर स्टेप पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ। तो इसके लिए आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। यदि आपका मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाता है या टूट जाता है, तो MI के एग्जीक्यूटिव आके आपके घर से आपका प्रोडक्ट कलेक्ट करेंगे, तो फिर उसे रिपेयर करके या ठीक करके आपके घर पे ही फिर से आके ड्रॉप करेंगे। तीसरा है 24x7 आवर कॉल सेंटर सपोर्ट। यदि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आप MI के टोल फ्री नंबर पे कभी भी कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। चौथा है वन कॉल टू ब्लॉक योर सिम फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यदि आपका मोबाइल फ़ोन खो गया है, तो आप सिर्फ एक कॉल करके MI के टोल फ्री नंबर पे अपने सिम कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये चार जो मेन थे मैंने आपको बता दिए। तो चलिए अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ FAQs की। तो सबसे पहला सवाल है, क्या आपको कोई एडिशनल चार्जेस देने होंगे MI प्रोटेक्ट को क्लेम करने के लिए? यदि आपका डिवाइस एक्सीडेंट या फिर लिक्विड से डैमेज हो गया है, तो हाँ, आपको मिनिमम 300 रुपीज़ पे करने होंगे और आपको एक्स्ट्रा 3% चार्जेस भी लगेंगे यदि रिपेयर का अमाउंट 6,000 से ज़्यादा हो। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे यदि रिपेयर कॉस्ट 6,000 है, तो आपको सिर्फ 300 पे करने होंगे। और यदि रिपेयर का अमाउंट 6,000 से ज़्यादा है, मान लीजिए 12,000 है, तो आपको देने पड़ेंगे 12,000 के 3%, जो कि 360 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। यदि कंपनी आपके डिवाइस को रिपेयर नहीं कर पाती है, तो कंपनी आपको न्यू रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करेगी और इसके लिए आपको कुछ चार्जेस भी देने होंगे। यदि आपका डिवाइस 6 मंथ से कम का है, तो आपको इनवॉइस अमाउंट का 20% पे करना होगा। यदि 6 मंथ से 1 ईयर का है, तो 30% करना होगा। और यदि 1 ईयर से 2 ईयर्स के बीच का है, तो 40%। तीसरा सवाल, यदि आपके डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसको क्लेम करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? सबसे पहला है IMEI नंबर, दूसरा है आपके मोबाइल फ़ोन का मॉडल, तीसरा है इनवॉइस वैल्यू और चौथा है इनवॉइस डेट। पांचवा सवाल, क्या आप अपने MI प्रोटेक्ट के मेंबरशिप को कैंसिल कर सकते हैं? तो हाँ, आप अपने मेंबरशिप को कैंसिल कर सकते हैं विद इन 30 डेज ऑफ एक्टिवेशन, और इसके लिए आपको फुल रिफंड मिलेगा और आफ्टर 30 डेज आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। पांचवा सवाल, यदि आपने MI का नया फ़ोन लिया है, तो क्या आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने न्यू डिवाइस में? तो जवाब है हाँ, बस आपको इसके लिए MI के टोल फ्री नंबर पर कॉल करनी होगी। छठा सवाल, यदि आपने MI का फ़ोन परचेज़ किया है, तो क्या आप MI प्रोटेक्ट अलग से खरीद सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, आप इसे सेपरेटली नहीं खरीद सकते हैं। सातवां सवाल है कि आप अपने एक्सीडेंटल या फिर लिक्विड डैमेज को कैसे क्लेम करेंगे? तो इसके लिए बस आपको MI के टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करना होगा। आठवां सवाल है, यदि आपका स्क्रीन एक्सीडेंटली डैमेज हो गया है, तो क्या आपको इसके रिपेयर के लिए पे करने होंगे? जवाब है जी नहीं, आपको इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने होंगे, सभी चार्जेस MI प्रोटेक्ट के द्वारा पे किए जाएंगे। नौवां सवाल है, यदि आप पहले से ही एक क्लेम कर चुके हैं, क्या आप दोबारा से क्लेम कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप दोबारा से क्लेम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आप बस 2 बार ही क्लेम कर सकते हैं। तो अब आप जानना चाहेंगे कि MI प्रोडक्ट को लेने के लिए कितने चार्जेस लगेंगे। तो Redmi 2 और Redmi 2 Prime के लिए 275 रुपीज़ लगेंगे, Redmi Note 3, MI 4i 16 GB एंड MI Pad के लिए 375, MI 4 16 GB के लिए 499 एंड MI 5 के लिए 699 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। यदि आप MI प्रोडक्ट से रिलेटेड और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो आप MI प्रोडक्ट के पेज को विजिट कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दिया है। तो MI प्रोटेक्ट और इससे रिलेटेड सवाल, ये सभी बातें आप समझ गए होंगे इस वीडियो में। और आपका यदि इसके अलावा कोई सवाल या सुझाव हो, तो नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।